नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आदि पुरुष जब से रिलीज हुई है तो कंट्रोवर्सी जो है बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसको लेकर जो है वो रिव्यूज आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, सेम सिनेरियो जो है पूरे देश में चल रहा है। तो इसी का रिव्यू आज हम गुरुग्राम से भी लेंगे। हम आईनॉक्स जो मॉल है उसके बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं और जहां पर जो है आदि पुरुष 16 जून से जो है ये भी थिएटर में शुरू हो चुकी है। तो इसका जो है हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लग रहा है यहाँ के लोगों को भी, कि क्या सही में सनातन के ऊपर वार हुआ है या इसके लिए क्या करना चाहिए था, क्या सेंसर बोर्ड जिम्मेदार है, क्या भाजपा जिम्मेदार है, क्या प्रशासन जिम्मेदार है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है। तो आइए बात करते हैं शिवसेना से जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं ऋतुराज अग्रवाल जी, उनसे स्टार्ट करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? देखिए, सनातन पे ये हमला है जो एक हमारे राम के नाम पे जो सरकार बनी, आज वो सरकार राम के नाम को खराब कर रही है। जो रामायण जो हमारे आदिकाल से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उसका इस तरीके से निरादर किया जा रहा है और भाजपा और जो सरकार मौजूदा है वो चुप बैठी है। सेंसर बोर्ड को उस समय नजर नहीं आया कि वो क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे, क्योंकि किस तरीके से आज जब सूचना प्रसारण मंत्री कहते हैं कि जी ये सीन हटाए जाएंगे, इसे बैन किया जाएगा, उस समय कहां से क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय और जो सेंसर बोर्ड है वो आके बंद करके बैठा है, किसी भी तरीके की फिल्मों को रिलीज होने दे रहा है। ये तो हिंदुओं की सहिष्णुता है कि देश के अंदर दंगे नहीं हो रहे। अगर किसी और धर्म पे अगर इस तरीके की मूवी बना दी जाती ना, तब तक चार्ली अब्दो हो जाता, जो ये शुक्ला जी है ना, शुक्ला जी के टुकड़े टुकड़े हो गए हो तब तक। तो आइए हमारे साथ बजरंग दल से जो है अभिषेक गौड़ जी हैं। अभिषेक जी, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? देखिए, ये मूवी सीधा सीधा सनातन के ऊपर प्रतिघात है, सनातनियों के ऊपर, हर चीज के ऊपर। इन जो ये खान गैंग है, इन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि कुछ भी करके, चाहे कैसे भी करके सनातनियों के ऊपर प्रहार करना है। इनके ऊपर पूरा टारगेट इनका फिक्स होता है। ये मूवी जो बनाई गई है, जो हमारे रामायण था उसके बिल्कुल विपरीत बनाई है। इसके अंदर किसी, आप देखिए श्री राम जी का किस प्रकार चरित्र दिखाया गया है, हनुमान जी का किस प्रकार चरित्र दिखाया गया है, माँ सीता का किस प्रकार चरित्र दिखाया गया है, हनुमान जी की जो लैंग्वेज दिखाई गई, इतनी अभद्र लैंग्वेज दिखाई गई है, मतलब सीधा सीधा कुठाराघात है सनातनियों के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर। और इसका हम कठोर शब्दों में कोई निंदा करता है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि उसके ऊपर हम इसे बैन नहीं चाहते, हम इसके ऊपर मुकदमा चाहते हैं कि जो इसके बनाने वाले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, ये फिल्म खत्म की जाए। और जहां भी अगर ये फिल्म खत्म नहीं करी गई तो इसका प्रत्युत्तर भी दिया जाएगा और जोर शोर से दिया जाएगा, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, उसका जिम्मेदार ये मूवी वाले होंगे। और एक सैफ अली खान को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार वो हर फिल्मों में हिंदू और सनातनियों को आए दिन कुठाराघात करता है, मैं कहना चाहता हूँ उससे अब की बार पटौदी आएगा तो उसका बहुत ही बढ़िया स्वागत किया जाएगा और उस स्वागत के अंदर जूते चप्पल और हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। जी, अधिवक्ता और समाज सेवी कुलभूषण भरद्वाज जी से भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कहेंगे आदि पुरुष को लेकर, क्या सारा मामला जो है वो डायरेक्टर पर ही जा रहा है या सेंसर बोर्ड को भी कुछ कहना चाहिए? ये सारे चोर हैं जी, ये सारे चोर आपस में मिले हुए हैं जी। इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य केवल एक है, पैसा कमाना जी। और इस पैसे कमाने के लिए किसी भी स्तर तक, किसी भी हद तक गिर सकते हैं जी। और मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने पहले तो जो मनोज शुक्ला नाम का व्यक्ति, इसका डीएनए चेक कराना चाहिए जी। ये मोहम्मद उमर की औलाद पाएगा ये जी। जब डीएनए चेक होगा तो ये मोहम्मद उमर की औलाद पाएगा, क्योंकि ये कभी आप देख लो। और दूसरी बात, अगर इनमें इतना ही दम है, अगर ये इतना ही हमारे देश के बारे में, धर्म के बारे में दिखाना चाहते हैं, तो मुस्लिम धर्म के बारे में दिखाकर दिखाए ना, इनकी माने तो दुबला है तो दिखाए एक बार ये। तो अब आप कहते हो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड के जो ये डाकू बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग ही सबसे बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये पैसा ले लेते हैं और उसको फिल्म को स्वीकृत कर देते हैं, बाद में जब हल्ला मचता है। अब आप देख लो कितना इस पर मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लगाया है। क्यों? पैसा कमाना है। जब पैसा कमा लेंगे, पैसा पूरा हो जाएगा, फिर एक औपचारिकता कर देंगे कि जी हमने इस सीन को हटा दिया, हमने इस सीन को हटा दिया। तो ये हमारे हिंदुस्तान का, हमारे हिंदू धर्म का, हम सनातनियों का ये दुर्भाग्य है कि हम इस प्रकार के लोगों को सहन कर रहे हैं और इस प्रकार के लोग हमारे भारत देश के अंदर रह रहे हैं। समाज सेवी माइकल सैनी जी से भी बात करेंगे। सर, शॉर्ट में जानना चाहेंगे, क्या ओवरव्यू क्या है आपका इस मूवी को लेकर? देखिए मनप्रीत जी, हिंदुओं की भावनाओं को किसी को मतलब खंडित नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा सूचना प्रसारण मंत्री ठाकुर साहब ने ये बात कही कि भाई, अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि भाई हम किसी भी हिंदू की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। तो सूचना प्रसारण मंत्री, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि फिल्म सेंसर बोर्ड किस लिए है? आपने इस फिल्म के पास कैसे हो जाने दिया? आपको तब नहीं लगा कि ये फिल्म जो है हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी?
आप क्या कर रहे थे? क्या मोदी जी का सीरियन पर लिखा हुआ गाना गुनगुना रहे थे जो उन्होंने लिखा कि सीरियन खाइए और लंबी उम्र पाइए? तो ऐसी जो पंक्तियां जब लिख रहे थे मोदी जी उस गाने की, उसको दोहरा रहे थे या विदेश में कहीं भ्रमण कर रहे थे या मोदी जी के मन की बात में व्यस्त थे? आपने एक बार भी ये मनोज शुक्ला जिसने भी ये फिल्म जो बनाई है उसका 600 करोड़ का बजट बताया, जिसमें भाजपा के ही मुख्यमंत्रियों ने उसमें चंदा दिया है, उसकी सराहना की है, तो उन मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही भी पूछी है ना कि भाई उनकी क्या जवाबदेही है इस फिल्म को लेकर के। और सेंसर बोर्ड में मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, जो भाजपा के बड़े बड़े लीडर यहाँ पे जो पद्मावत के समय विरोध कर रहे थे, आज वो सेंसर बोर्ड के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? वो बजरंग दल, वो विश्व हिंदू परिषद, वो शिवसेना क्यों नहीं? ये तंबू उखाड़ रही, इनके एनोक्स पे ये पिक्चर लगी हुई है, आज हफ्ते भर से ऊपर हो गई, क्योंकि 600 करोड़ का बजट था, 600 करोड़ के 400 करोड़ इस वीकेंड में पूरा हो चुका है, 200 करोड़ और पूरा हो जाएगा तो कम से कम खर्चा तो निकल आएगा, इस कारण से वो चुप होंगे शायद। वरना मैं ये कहना चाहता हूं कि जो करणी सेना भी थी, करणी सेना ने फिल्म पद्मावत के समय विरोध किया था, अब वो यूं नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो सरकार में है वो उन्हीं के द्वारा बनाए हुए प्रवक्ता है। आपका क्या कहना है कि यहाँ पर जो है बोले कैसे जी, भाजपा की बात करी जाए तो बार बार जो है मूवी से ही सब कुछ वो जो है अपना सेलिब्रिटी की तौर पे एक अच्छी खासी जो है वो हम कहे कि पब्लिसिटी लेना चाह रहे हैं और हर मूवी के साथ अटैच हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? देखिए मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सनातनियों के ऊपर कुठाराघात जो है इसके अंदर राजनीति ना की जाए। जो लोग कश्मीर फाइल्स के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे थे, जो लोग कश्मीर फाइल जैसी एक सत्य घटना के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, आज वो लोग ये कह रहे हैं बजरंग दल और शिवसेना कहाँ पर है? मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, तुम जब कहाँ गए थे जब कश्मीर फाइल के ऊपर बैन कर लगाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली में कह दिया था कि इस फाइल को बंद किया जाए या मोदी अपने खर्चे से दिखाए? उस समय कहाँ गए थे जब कश्मीरी हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा था? उस समय कहाँ गए थे? बजरंग दल शिवसेना हर समय सनातनियों के साथ खड़ा है, तन से मन से, और जिस प्रकार से भी जरूरत पड़ेगी उस प्रकार से, ना हम जान देने से पीछे हटेंगे, ना जान देने से पीछे हटेंगे, लेकिन इस प्रकार का सनातनियों के ऊपर कुठाराघात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना राजनीति बर्दाश्त करेंगे। हिंदू पीछे इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बीच के कुछ जयचंद, कुछ गद्दार हमारे बीच होते हैं जिनको अपनी राजनीति चमकानी होती है, जिनको सनातनियों से कोई लेना नहीं देना नहीं होता। कभी मुगलों की इतनी औकात नहीं थी कि वो हिंदुओं के ऊपर राज कर जाए, सनातनियों के ऊपर राज कर जाए। हम वो मराठाओं की औलाद है जिन्होंने तलवार देख के सलवार नहीं पहनी, हम उन हिंदुओं की औलाद है जो लड़े मरे और कटे, लेकिन आज भी हम हिंदू है, फक्र है हमें पूर्वजों के ऊपर, हमारे पूर्वज ने हमें हिंदू रखा नहीं, हमारे पूर्वज भी आज मेरा नाम शायद होता है अभिषेक की जगह अभिषेक खान होता क्यों, लेकिन मेरे पूर्वजों ने तलवार देख के सलवार नहीं खोली। आज मेरे पूर्वज के मैं उनका सम्मान करता हूँ, सनातनियों के ऊपर सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को केवल और केवल राजनीति आती है। मैं कहना चाहूंगा इस प्रकार की राजनीति ना करें, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर हिंदू धर्म के साथ किसी प्रकार की राजनीति होगी, सनातनियों के साथ किसी प्रकार की राजनीति होगी, तो हम उसका बिल्कुल विरोध करेंगे, लट से विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। क्या है मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंदूवादी संगठन है ना, ये क्या है मार काट और लठ की बात करते हैं। मैं ये इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी एक हफ्ते से शांत क्यों है? धर्म की राजनीति शुरुआत किसने करी? बजरंग दल का नाम लिया कर्नाटका में, बजरंग बली को बीच में कौन लेके आया? भाजपा सरकार, मोदी जी लेकर के आए। तो अब बजरंग बली के नाम से जो अपमान किया जा रहा, मोदी जी चुप क्यों है? बजरंग दल मौन क्यों है? हिंदू परिषद, ये विश्व हिंदू परिषद और संगठन कहाँ है, ये धार्मिक संगठन? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो महीना चल रहा है, ये जो महीना है हमारे वर्ग का महीना होता है, वर्ग मतलब हमारे जो कैंप होते हैं जिनमें हम शिक्षण करते हैं, जैसे बच्चों को बौद्धिक सिखाया जाता है, उन बौद्धिकों के अंदर बच्चों को अपने संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। इस पूरे महीने के अंदर संघ के अंदर, अपने विश्व हिंदू परिषद के अंदर, बजरंग दल के अंदर वर्ग लगते हैं। मैं खुद कल ही वर्ग से आया हूँ वापिस 8-10 दिन में, तो इस वजह से मैं कल ही वापिस आया हूँ, वर्ग हमारा कल ही खत्म हुआ है। एक नू वर्ग था, मैं करनाल से वापिस आया हूँ, लेकिन उसके पश्चात अब ये जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू कहाँ है, बजरंग दल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इन लोगों ने आज तक समाज के लिए क्या किया सिवाय राजनीति के? केजरीवाल ने
पूरे देश को दंगा करा। सुनिए, केजरीवाल ने दिल्ली दंगा करवाया, उस समय नहीं बोला कश्मीर फाइल में हिंदू कट रहे थे। बिल्कुल पोस्टर चिपकाया हमने, आगे भी चिपकाएंगे। बिल्कुल पोस्टर चिपकाया हमने। आप क्या कहेंगे शिवसेना को लेकर? आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हिंदू संगठन जो है मारकाट की बात करते हैं, तो दिल्ली दंगों के अंदर इनके जो खुद के नेता है वो मारकाट के अंदर जेल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि हिंदू संगठन मारकाट की बात करते हैं। इसके अलावा अगर ये बात कर रहे हैं कि केरला स्टोरी अगर वो थी, तो ये मेरे साथ थे जब ये आम आदमी पार्टी में नहीं थे, और इन्होंने ही वो मेरे साथ में उस नेक्सस का खुलासा करा था। तो आज ये क्या पार्टी के अंदर ये अपने धर्म को भूल गए या उस चीज को ये झुटला रहे हैं जिसका खुलासा इन्होंने खुद किया था? और कुलभूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो है बात रिव्यूज की अगर बने, उसमें बोलते हैं कि जो सीता माता का नाम, राम जी का नाम और लक्ष्मण जी का नाम नहीं दिया गया, उसकी बजाय नाम दिए गए हैं राघव, जानकी और शेष, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जी अब जो है हमने उनसे प्रेरित होकर लिया है, ये नहीं है कि वो पूरी रामायण है, जो है स्टेटमेंट अब बदलती दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, इन लोगों का कोई ना धर्म है ना ईमान है और ना ये एक बाप की संतान है। ये लोग केवल और केवल पैसा कमाने के लिए, इनका उद्देश्य केवल है पैसा कमाना, चाहे वो हिंदू धर्म पर कुठारा घात हो, चाहे सनातन धर्म पर कुठारा घात हो, चाहे देश का भविष्य, देश का जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे जो रामायण पात्र है, हमारा पवित्र पात्र है जिसको हम देखते हैं, जिसका हम अनुसरण करते हैं, तो इन लोगों का केवल एक उद्देश्य है, ये न क्रेन प्रक्रेण कि हम पैसा कमाए। और अभी दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनको मौका मिल जाता है राजनीति करने का, वो धर्म के लिए नहीं बोलते हैं, वो गर्व से नहीं कह सकते हम हिंदू हिंदू की संतान है, वो कहते नहीं हम फला पार्टी में, हम फला पार्टी के अंदर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी जितनी भी है, राजनीतिक दल जो है, इनका भी कोई धर्म ईमान नहीं, इनकी कोई नीति नहीं जी। और हम तो नीति पर चलने वाले लोग हैं, हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। जी, मनप्रीत जी, देखिए इसके अंदर भाई साहब तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबने विरोध किया है। इतना सब विरोध होने के बावजूद, ठीक है, ये अभी तक बैन नहीं हुई। नेपाल जैसा एक छोटा सा देश, वो कहता कल उसने घोषणा करी कि वो जो इंडियन फिल्म्स हैं वो बैन कर दी, पूरी इंडियन फिल्म्स की जो डायलॉग्स हैं उनके द्वारा जो चीजें प्रदर्शित की जा रही है, नेपाल की संस्कृति खराब हो रही है। ये काम हिंदुस्तान क्यों नहीं कर पा रहा, जहां हम हिंदुत्व का ये एक उठाए फिर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा और बात वो चीज नेपाल कर रहा है। जी। दूसरी चीज, सेंसर बोर्ड के अंदर जो है जो लोग बैठे हुए हैं, एक सनातनी सेंसर बोर्ड की बात काफी टाइम से उठ रही है, वो सेंसर बोर्ड कब आएगा? इस तरीके की फिल्में ही नहीं, इस तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं, और जो आपने पूछा कि बार बार नाम, ठीक है, इसी से पहले मनोज शुक्ला जी का जो मुंतशिर, जो अगर वो किसी और धर्म पे अगर फिल्म बनाते तो अब तक मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, टुकड़े टुकड़े, तो शायद वैसे ही मिलते वो। तो उन्होंने जब स्टार्टिंग के अंदर प्रमोशन में ये कहा था कि जो फिल्म है वो पूरी रामायण पे है, प्योर रामायण है, हमने उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया, लेकिन जब वो रिलीज हो जाती है, रिलीज पे कहते हैं कि रामायण से प्रेरित है, ठीक है, हमने उसमें आज के माहौल से बनाया है या इस तरीके से किया है, तो आज के माहौल से आप फिल्म बना रहे हैं कोई, वो भी एक हिंदुओं की आस्था और धर्म से जुड़ी हुई, तो क्या आपको उसके अंदर जो एक जैसे रावण को है, रावण प्रकार पंडित था, उससे उसपे किसी दूसरे जानवर पे जो है उसपे दिखाया गया और मांस खिलाते हुए दिखाया गया है, ब्राह्मण जो है कभी मांस नहीं खाता, ठीक है, ना मांस का इस्तेमाल करता, उसमें रावण को इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, जो डायलॉग है हनुमान जी के, ठीक है, उसके लिए बोला जा रहा है कि जो हनुमान जी है उनका जो नेचर है वो ऐसा है, वो कह सकते हैं, नहीं कह सकते, वो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, ठीक है, वो इस तरीके की भाषा का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो रामानंद सागर की रामायण बनी थी वो आज भी हम परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके उन्हें संस्कार देने के लिए वो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आज का जो युवा या वो बच्चे अगर इसे देखते हैं तो वो हमारे राम को, हनुमान जी को वो किस तरीके से लेंगे, आप खुद सोचिए। आपको नहीं लग रहा है कि जो है यहाँ पर राजनीति जो है वो धर्म में आ चुकी है, धर्म में राजनीति, ये सब कुछ मिक्सअप हो रहा है यहाँ पर, जिसके कारण जो है लोग नहीं समझ पा रहे कि सही रास्ता कौन सा और गलत कौन सा है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो, राजनीति और धर्म दोनों को मिक्स करके चलाया जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ धर्म के ऊपर राजनीति ना हो।
दूसरी बात आप सेंसर बोर्ड की, जैसे मेरे भाई ने कहा सेंसर बोर्ड का कब हो गए, सेंसर बोर्ड नहीं रहा आप, अभी सिक्सर बोर्ड हो गए, इनको छक्का बोर्ड कह सकते हो जी आप, क्योंकि इनके अंदर जो खान लोभी है ये इतनी ज्यादा प्रभावी हो चुकी है कि इनको पूरा का पूरा सनातनियों के ऊपर कुरटाराघात करना और कुछ नहीं करना। इनकी पूरी की पूरी मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि किसी भी प्रकार से आप केवल और केवल इस प्रकार की फिल्में बनाइए, जैसे आमिर खान ने बनाया भोले शंकर को भागता हुआ दिखाया, किसी के अंदर वो बनाया वहां, लेकिन वो जब वो मस्जिद में जाता है तो बिल्कुल शांत खड़ा है। तो ऐसा नहीं, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। सनातन ने सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, हम सनातन के अंदर सबकी शांति की इच्छा करते हैं, सबकी सुरक्षा की इच्छा करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है अगर कोई हमारे को आगे एक थप्पड़ मारेगा हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, ये बिल्कुल उसका मतलब कोई ना समझे। हम बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर सनातन के ऊपर कुठाराघात होगा, सनातन के ऊपर कोई गलत बात लिखी जाएगी, हमारे श्री प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर कोई गलत बात होगी, तो हम सीधा सीधा उसका विरोध करेंगे, चाहे वो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाएंगे। कुलभूषण जी, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी मैं कि ये राजनीति किस प्रकार हो रही है, या भाजपा है वो किस तरीके से अपना पब्लिसिटी स्टंट बार बार अपनाती है कि कभी कश्मीर फाइल्स आ जाती है, कभी केरला स्टोरी आ जाती है, अभी आदि पुरुष है इसके ऊपर हो रही है, क्या धरातल पर काम करके राजी नहीं है, सिर्फ ये है कि सेलिब्रिटी बनकर या पब्लिसिटी लेकर ही काम होगा? क्योंकि पहले भी अगर बात करें, कंगना रनौत को बहुत हाइप दी और जैसे ही हिमाचल में सीट नहीं मिली तो वो साइड हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो जी, एक भाजपा ही नहीं चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको केवल और केवल अपना वोट चाहिए जी। और वो वोट कैसे बढ़े, हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि वोट कैसे बढ़े और उसको वोट की प्राप्ति कैसे हो जी। तो उसी ठहरे पर चल पड़ते हैं। और हम हिंदुस्तान के जो आम नागरिक हैं, हम सरल और स्वभाव के व्यक्ति हैं, हम बड़े भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो जैसा ये लोग हमारे को मार्गदर्शन देते हैं तो आम जनमानस इनके चुंगल में फंस जाता है और उसी दिशा में चल पड़ता है जी। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये जो राजनीति हो रही है और आपके ऊपर भी आ रहा है कि आप राजनीति और धर्म को मिक्स ना करें? देखिए, जो आरोप लगाने वाले हैं उनसे मेरा यही कहना है कि धर्म की राजनीति सदैव अधर्म को ही पैदा करती है। इन्होंने एक चैप्टर जो कुलपति दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने 300 रामायण का एक चैप्टर जो है यूनिवर्सिटी में लागू किया, जो बीजेपी सरकार ने हटवा दिया था। तो अब मनोज का जो चैप्टर है वो वहां पे लागू कर दिया जाए और एक मनोज के नाम से जो अवार्ड है वो स्टूडेंट को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है रामायण जो उस समय रामानंद सागर जी ने जो लिखी थी उसको लोग बाग जो है ना चप्पल उतार के बड़े आदर से सुना करते थे, लेकिन आज जो है लोग विवश होकर चप्पलें हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन सरकार ने और सेंसर बोर्ड ने इस पिक्चर को लागू कर दिया। लोग चप्पलें जूते हाथ में लेकर के घूम रहे हैं कि भाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर को पिटाई की जाए इसकी, जो इसने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं उन संगठनों से फिर पूछना चाहता हूं कि उनके हाथ में वो चप्पल जूते कहाँ है जिस डायरेक्टर ने माता सीता का अपमान किया, महावीर हनुमान जी को अपमानित करने का काम किया, प्रभु श्री राम के भक्त है हनुमान जी, उनका चरित्र हनन करने का काम जो इस डायरेक्टर ने किया मनोज में, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी उसके बारे में उसके फिल्म के लिए को राइटर बने हुए हैं, और ये लोग सीधे सीधे भाजपा और संघ वाले ये मोदी जी सरकार के हिस्सा है, तो मोदी जी के खिलाफ तो इनके मुंह से एक शब्द निकलेगा नहीं। तो अब इनसे पूछो कि राजनीति कर कौन रहा है। बात मतांतरण की आई थी, भाई ऋतुराज जी ने कहा कि मतांतरण वाले मुद्दे पर इन्होंने खुद मुद्दा उठाया था, हाँ मैंने उठाया था, किसी भी धर्म की अगर विशेषता है, अगर वो शांति प्रिय ढंग से कोई उसमें एक मिनट सर लेट मी फिनिश, अगर उसमें मुद्दे में कोई अगर उस धर्म में अगर कोई शांति प्रिय ढंग से अपनी तरफ बुलाता है आकर्षित करता है, लेकिन अगर उसको भ्रमित करके अगर अपने धर्म की ओर खींचता है तो वो चीज गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, अगर कोई किसी को गलत भावना से अपना धर्म ज्वाइन करा रहा तो वो गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने वाले इन चैनलों से कोई पूछेगा? हिंदू संगठन के ये देश के अंदर ये क्यों इस प्रकार की भावनाएं जो है ना क्रिएट करना चाहते हैं? क्योंकि इनका सीधा मकसद 2024 का इलेक्शन है और भाजपा को जीत दिलाना है, और भाजपा के खिलाफ ये हिंदू संगठन खड़े हैं। यहाँ पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के खिलाफ कब ये नारेबाजी करेंगे, कब एनएक्स में आकर के तोड़फोड़ करेंगे? अन्यथा जितने भी हिंदू हैं उनकी भावनाओं को टूटते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी की सरकार मौजूद है। अभी जो मेरे साथी ने बातें कही, कब तोड़ फोड़ करेंगे, कब मोदी के खिलाफ बोलेंगे, केजरीवाल ने लिया हो, हम राष्ट्रहित में काम करने वाले लोग हैं, हमें अच्छी बात है, हमें गर्व और गौरव की अनुभूति है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमें इस बात पर गर्व है। लेकिन जहां तक बात आती है कि जो आदमी नीति पर चल रहा है, हम उस नीति के साथ चल रहे हैं, हम नीति के पुजारी, हम नेता के पुजारी नहीं। अब इन लोगों का तो एक ही काम है
ये दिल्ली के अंदर बैठते हैं, शराब का काम, शराब घोटाले, इनके मंत्री ये सब वो अंदर हैं। इन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए क्या काम किया? समाज के प्रति आप गलत भावनाओं से काम करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, तय मान लें। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से बात करने वाली नहीं। आज जो तोड़फोड़ की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का नेचर ही तोड़फोड़ का रहा, ये सिर्फ चप्पल पैर के तोड़फोड़ करते हैं। दिल्ली के अंदर सीए के प्रदर्शन के दौरान सरेआम एक सरकारी अफसर की हत्या हो गई, इनके एक विधायक ने वहां खड़े होकर मौके पर हत्याएं कराई, इनके पार्षदों ने हत्याएं कराई। लेकिन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वो संगठन है, शिवसेना वो संगठन है जो शांति से प्यार से पहले समझाता है, उसके बाद किसी प्रकार का अगर कोई एक्शन लेना हो तो एक्शन लेता है। हम वो संगठन है जो हमारे खुद के साथ के जो साथी हैं वो मारे गए, ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते, इन्हें क्या पता देश के लिए मरना क्या होता है, इन्हें क्या पता देश के लिए जान देना क्या होता है। गोरक्षा के लिए जब बाहर हमारे साथी मारे जाते हैं, ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन मीडिया देखते इनके अंदर का प्यार जग जाता है, मीडिया देखते इनके अंदर का देश राष्ट्र प्रेम जग जाता है, लेकिन मीडिया हटते इनके अंदर का वो सब बाहर निकल के आता है कि किस प्रकार दंगे कराने हैं, किस प्रकार लोगों को लड़वाना है, किस प्रकार लोगों की हत्या करवानी है। एक सरकारी आदमी की हत्या करवा दी गई, जब इनको समझ में नहीं आया वो हत्या नहीं होती, लेकिन बस बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद कुछ कर दे तो वो तोड़फोड़। अभी भी इन्होंने कहा तोड़फोड़ क्यों नहीं करते, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे। बजरंग दल कहीं तोड़फोड़ नहीं करेगा, बजरंग दल शांति से प्रदर्शन करेगा। इन्होंने बोला कि तोड़फोड़ करें, हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदू संगठन हमेशा तोड़फोड़ ही नहीं करते, वो पहले समझाते भी हैं और वही नीति अभी चल रही है समझाने की, तरीके दूसरे भी हैं। जहां ये कह रहे हैं ना कि दंगे है, ये भड़काने का काम कर रहे हैं, तो वो काम तो आम आदमी पार्टी का है और वो दिल्ली के अंदर ये साबित भी कर चुके हैं। अभी इन्होंने ना दोगलापंथी वो अभी इन्होंने दिखा दी, पहले ये केरला स्टोरी का जो है विरोध कर रहे थे, ठीक है, इनके जो नेताजी हैं केजरीवाल जी हैं, इन्होंने कश्मीर फाइल्स का जो विरोध किया, केरला स्टोरी जो बनी उसमें धर्मांतरण का था कि किस तरीके से बैला फुसला करके किस तरीके से एक तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो खुलासा हम दोनों ने मिलकर किया था, और उसी जो जो नेक्सस था उन्होंने 7 केरल के जो युवा हैं उन्हें कन्वर्ट करके अफगानिस्तान भेजा था, केरला से जो 7 बंदे थे वो उसी नेक्सस से जुड़े हुए थे। तो क्या अब ये कह देंगे कि नहीं वो हिंदुत्व की बात नहीं थी, या फिर वो जो केरला स्टोरी है वो झूठी बता रहे थे, और वही स्टोरी जो प्रॉपर है ये खुद अपने हाथ में डॉक्यूमेंट लेकर के उसका खुलासा कर रहे थे और आज उसी चीज को नकार रहे हैं। तो ये तो दोगलापंथी राजनीति है टोटल, और कुछ नहीं है। ये क्या मतलब, क्या सिर्फ एक पार्टी बदल लेने से या पार्टी में आ जाने से जो है जो पहली नीतियां माइकल सैनी की थी क्या वो चेंज हो गई? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इनकी वास्तविकता जब सामने आ गई तो आंख खुलना लाजमी, जिनकी आंख नहीं खुली है वो अभी भी अंधभक्त बने घूम रहे हैं। यही वो लोग थे जो पोस्टर चिपका रहे थे कश्मीर फाइल्स के, यही वो लोग थे जो केरला स्टोरी के जो है ना पोस्टर छिपका रहे। ये गुजरात एक मिनट सर, मेरी बात मैं शोर मचाना मुझे भी आता है, एक मिनट पास नहीं, क्या हुआ गुजरात में फाइल क्यों नहीं बनाते, गुजरात फाइल क्यों नहीं बनाते, 42,000 लड़कियां वहां से गायब होगी, क्यों नहीं बनाते, केरला फाइल बनाते, गुजरात के अंदर गोधरा के अंदर जो हिंदू देश भगवान राम का नाम ले रहे थे उनको जलाने का काम किया, गुजरात 42,000 लड़कियां गायब है, जलाया गया, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं रिलीज करी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं रिलीज करी, इंटरन भर्ग चुप है ये लोग, हम बिल्कुल केरला फाइल के हिंदू और मुस्लिम जो हिंदू के खिलाफ काम करेंगे, अपना धर्म पक्का नहीं, दूसरे के धर्म से चिलन होती है, नमाज किसी भी हालत में नहीं होने देंगे माइकल जी, आपको समर्थन, ये लोग लड़ाई झगड़ा और रेमिनेंसा फैलाना चाहते हैं, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, सीधा सीधा धर्म का क्या 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 नहीं जानते ये लोग, आज धर्म का अपमान हो रहा है, ये लोग चुप है, आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप हनुमान चाल से सुनाइए, मुझे तो आता है अपनी सुनाइए, आप हनुमान धर्म के ठेकेदार आप बताइए ये कहां तक जो है, आपके कहने से मेरी धार्मिकता अभी तो गोधरा फाइल्स भी बनेगी, मेवात फाइल्स भी बनेगी, आपका जो अभी अभी जो अजमेर फाइल्स जो अजमेर 92 आ रही है वो भी, और उसके भी पोस्टर चिपकाएंगे, जो सच पे बनी हुई फिल्में हैं जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ में हुआ उस पे अगर कोई भी फिल्म बनेगी उसका समर्थन करेंगे, उसके पोस्टर लगाएंगे और पूरी तरीके से समर्थन किया जाएगा, लेकिन इस तरीके की आदि पुरुष टाइप की फिल्में किसी भी हिम्मत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जिस तरीके से ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं हिंदू संगठनों पे कि कहीं ना कहीं जो है भाजपाइयों से मिले हुए, क्या कहेंगे? नहीं ऐसा देखिए सरकार है, मैंने सेंसर बोर्ड का कहा, नेताओं का बोला, लेट मी कंप्लीट,
मैंने नेताओं का भी बोला है, मैंने सेंसर बोर्ड का भी बोला है, मैंने सरकार से भी सवाल किया है। हम अगर घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हम बाहर वाले को बाप नहीं बनाते, ठीक है, बाहर वाले को जाकर के बाप नहीं बनाते। घर के अंदर झगड़ा भी होता है तो घर के अंदर बैठ के समस्याओं का समाधान भी निकाला जाता है। जिन हिंदुओं को हनुमान चालीसा नहीं आती हो उनको ट्यूशन दे दूंगा मैं। अच्छा, मैं हिंदू धर्म के बारे में जितना जानता हूँ, आपके कहने से नहीं सुनाते, आप कोई ठेकेदार नहीं हिंदू धर्म के, पूरी सुनाओ। ये गमछा डाल के हिंदू नहीं बना जाता, हिंदू बनने के लिए धर्म का सुनाओ, धर्म मानना होता है, धर्म इंसानियत है और इंसानियत इनके नाम के अंदर नहीं है। ये हटाइए मुझे, ये देखो इन्हें देखिए, कोई कोई भगवे से दिक्कत है, हम सम्मान करते हैं। अंत में सिर्फ ये लोग भगवे को आगे कर करके अपने एजेंडे को साबित करना चाहते हैं देश के अंदर। आम आदमी पार्टी में कोई एनर्जी, सर क्या लग रहा है कि इसका कोई अंत है इन चीजों का? मैंने कहा ना कि हिंदू धर्म की जो आस्था है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, मनोज को लगातार उस पर घात हो रहे हैं। और मैं सेंसर बोर्ड से तो क्या कहूँ, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने तो बेशर्मी का पर्दा उड़ रखा है। मैं तो अपने देश का जो हमारे जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, मैं तो कानून का जानकार हूँ, तो मैं तो केवल यही आवेदन निवेदन कर सकता हूँ अपने देश की न्यायपालिका से, स्वयं इस पर संज्ञान लें। और जो इस प्रकार से चाहे ये फिल्म नीचे कोई भी हो और चाहे किसी भी धर्म का कहीं पर किसको धर्म को अपमानित करने का प्रयास हो रहा हो, तो स्वयं संज्ञान लेकर उसको प्रतिबंध लगा। क्या ऐसा नहीं है कि जो है कहीं ना कहीं आज के बच्चे हैं जो सनातन के बारे में जानते नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में जानते नहीं है, उनको जो हमारे वेदों का ज्ञान नहीं है, शायद यही वजह है कि वो इन चीजों को समझ नहीं पा रहे, ये क्या है? मैंने कहा ना आपसे कि जब आप अपने उसके अंदर गलत तरीके से किसी भी उसका चित्रण करेंगे, जो हमारी रामायण है उसके जो पात्र हैं भगवान श्री राम है, माँ जानकी है, प्रभु हनुमान जी महाराज हैं, अब जब उनको बारे में इस प्रकार से आप दिखाएंगे तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी है ये दिशा भ्रमित होगी। इसको क्या पता लगेगा क्या है क्या नहीं, सच्चाई क्या है? तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि जिस प्रकार जो रामायण हम सब देखते थे, रामानंद सागर जी की बड़े सम्मान पूर्वक देखते थे, श्रद्धा पूर्वक देखते थे, एक ऐसा अच्छा माहौल था और उसके अंदर किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसमें सही चित्रण दिखाया गया था, जो भी कुछ था उसके अंदर हमारे संस्कार थे, हमारी संस्कृति थी, उसके बारे में बताया गया था। तो दुर्भाग्य ये है कि इस समय जो सेंसर बोर्ड है ना, ये बेशरम बोर्ड बन गया। माइकल जी, बस इतना पूछना चाहूंगी अंत में आप सभी से कि ये बस बताएं कि क्या सनातन के अंदर जो है जो शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पा रही है, शायद वही वजह है कि जो अभी जो है युवा जान नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा, सनातन शिक्षा, देश की संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए और शिक्षा जो है ना, जो मूल शिक्षा है वो पढ़ाई जानी चाहिए, देश का संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, देश की संस्कृति भी पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के अंदर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, सबसे पहले ये राम भक्त, ये सरकार है जिन्होंने 14,000 करोड़ रुपए पहले और 21,000 करोड़ रुपए में से आपने देखा कि 2 करोड़ की जमीन कैसे 18 करोड़ की करके बेच गए ये लोग। भगवान के नाम को, भगवान को भी नहीं बख्श रहे, उनके नाम पर फिल्में बना करके कमाई कर रहे। ये लोग भी हिंदू है जिनका सिनेमा हॉल है, डायरेक्टर भी हिंदू है, सेंसर बोर्ड में भी हिंदू बैठा है, फिर ये फिल्म से कमाई कर कौन रहा है? मुख्यमंत्रियों ने पैसा दे दिया, इसको टैक्स फ्री कर दिया फिल्म को। आप बताइए राजनीति भाजपा कर रही है या हम कर रहे हैं? धर्म के नाम की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि आज का देखिए, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि हमें देश के बारे में पढ़ाना चाहिए, संविधान के बारे में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा, सारी चीज पढ़ानी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाया क्या गया? अकबर कौन था, बाबर कौन था, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या मैडम, हमें ये नहीं पता चला। हमें हिंदू संगठनों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये लोग सिर्फ एक तबका जो है ना वो संस्कृत भाषा का ज्ञान रखता है, पूरे देश में जब सारे हिंदू बहुल देश है तो इसके अंदर सबको संस्कृत क्यों नहीं आ गई? ये सवाल पूछ, आपको हनुमान चालीसा आती है? आप संस्कृत में एक श्लोक बोल दीजिए। है, बोल दीजिए एक श्लोक। कौन सा सुनाना बताओ? संस्कृत में एक श्लोक बोल दीजिए। कौन सा सुनाना है? ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकी वंदनात् मृत्युर्मोक्षयामां तात्। और कौन सा सुनाना है सर? अभी शिक्षा के ऊपर हम बात करते हैं माइकल जी, इस चीजों का कोई अंत नहीं मिलेगा क्योंकि हमें ये और कितना सुनाने आपको? ये सुनाइए, कितना सुनाने आपको? ये कितने दिन का चल साथी है सर? आप शिक्षा के एक मंत्र को पढ़ के हिंदी से जाओ ना यार, आप बताएं सर जी। हाँ जी, शिक्षा के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को धर्म की, सनातन की शिक्षा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन में हर उस प्रकार की शिक्षा है जो एक बच्चे के मौलिक अधिकार है, मौलिक जो मूलभूत जो शिक्षा का आधार है वो सनातनी शिक्षा है। उसके अंदर क्या आज ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो लोग ढूंढ रहे हैं, उन साइंटिस्टों के अंदर पहले हमारे सब यहाँ पे बंद करके ये कौन सी शिक्षा देना चाह रहे हैं बच्चों को?
अंधभक्त बनाए रखना चाहते हैं। हम वही शिक्षा देना चाहते हैं जो आपने सीए के अंदर दिल्ली में इन्होंने, हम वही शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षकों की भर्ती बंद कर रखी है, देना चाहते हैं बच्चे पढ़ेंगे। आप बताएं सर, अंत करते हैं इस कार्यक्रम का कि क्या शिक्षा के ऊपर जो है स्टेप लेना चाहिए सरकार को? नहीं बिल्कुल, देखिए सरकार को जो है शिक्षा पे स्टेप लेना चाहिए। जहां तक है मौजूदा सरकार ने शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया, बजट भी कम किया है, और जो पैसा हमारे देश में सदियों से जो मदरसों को दिया जा रहा है, जो ग्रांट मदरसों को दी जा रही है, वो ग्रांट जो गुरुकुल हैं उनके लिए भी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल भी खुलने चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे अभी नीट की परीक्षा जो हरिद्वार के अंदर आरती करने वाले एक पंडे जो पंडा बोलते हैं, ठीक है, उसने नीट की परीक्षा पास करी है एक गुरुकुल से होकर के। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा है वो कमतर मिलती है, बहुत बेहतरीन शिक्षा मिलती है, और स्कूल भी जो है स्टैंडर्ड के स्कूल बनाए जाएं। और खास तौर से जो अभी मौजूदा जो जनरेशन है उसको नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ ऋतु राय जी, अभिषेक गौर जी, माइकल सैनी जी और कुलभूषण भारद्वाज जी, जिन्होंने पूरा जो है आदि पुरुष के ऊपर आज हमने चर्चा की। और बड़ी बात यह है भी कि आपका क्या कहना है, हमें अपने रिव्यूज में जरूर लिखें कि क्या कहना है कि सही में राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, या क्या चल रहा है देश में, क्या पब्लिसिटी स्टंट है, सेलिब्रिटी स्टंट है, क्या कुछ खेल चल रहा है, आपका क्या कहना है हमें नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा।